जान कैसे और पिया लागा तुमसे मुरजिया गाड़ी चाहिए। हाँ, ले जाओ, कोई सी भी ले जाओ। मुझे अपनी गाड़ी चाहिए। ठीक है, ले लेना। कब? अभी ले लो जाके। ठीक है, तो फिर चलें। कहाँ? गाड़ी लेने। मैं नहीं जा सकता, ड्राइवर को ले जा सकता। और हाँ, घर से किसी मुलाजमा को साथ ले जाना। मुझसे ज्यादा मुलाजमा पे भरोसा है आपको? जैसा मैं कह रहा हूँ ना वैसा करो। ठीक है, और किसी दिन मुझे अपनी फ्रेंड्स को भी बुलाना। तेरे फ्रेंड्स को? घर वालों को इनवाइट नहीं करना? घर वालों को? ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। तुम्हें सोचना चाहिए। कैसी लड़की हो तुम, घर वालों को भूल ही गई। हमारे फ्रेंड्स तुम्हें घर वालों से ज्यादा अजीज हो। नहीं नहीं, किसी दिन घर वालों को भी बुलाऊंगी। जल्दी इनवाइट। तो तुम्हारी कोई अंडरस्टैंडिंग पैदा हुई उससे? कोई पेशरफ्त हुई? कोई दोस्ती हुई तुम्हारी? तुम इस काबिल हुए कि उसे अपनी बात बता सको? इतने सारे सवाल एक साथ पूछ लिए आप, लेकिन इतने कम अरसे में जितनी बेहतरी आ सकती थी उतनी आ गई है। शैला मुकम्मल तौर पे तो अपने ख्वाल से बाहर नहीं आई, लेकिन मेरे साथ उसका बिहेवियर बहुत बेहतर हो गया। काफ़ी अंडरस्टैंडिंग हो गई हमारी। अब वो मेरी बात सुनती भी है, आई गेस समझती भी है। गुड, मैं यही चाहता हूँ कि वो तुम्हारी बात सुने, तुम्हारी बात समझे। तुमने उसे इस बात का यकीन दिलाना है कि उसने जो कुछ भी किया वो गलत था और उसे उसकी तलाफी करनी चाहिए। मैं यही कोशिश कर रहा हूँ। कुछ नहीं, ऐसे ही आम सी गपशप। अच्छा गया तुम आ गए, चलो चाय पियो, ज्वाइन करो हमें। एग्जैक्टली, क्योंकि दो मर्दों की बोरिंग गुफ्तगू में एक औरत का होना बहुत जरूरी है। वैसे पापा, कैफ बातें बहुत अच्छी बनाता। पता नहीं भाई, मुझे तो वक्त ही नहीं देता। मुझसे तो ज्यादा बातचीत ही नहीं होती है इसकी, खुदा मालूम कहाँ होता है। बातचीत तो वैसे ज्यादा मेरी भी नहीं हुई है इससे, लेकिन जब कभी होती है तो मुझे इस बात का एहसास जरूर होता है। वैसे एक बात बताओ, अच्छी गुफ्तगू एक फन है, ज़हीन लोग करते हैं। अच्छा बस भी करें अंकल, शर्मिंदा करें आप मुझे। तो आप यहाँ बैठ के शर्मिंदा क्यों हो रहे हैं भाई साहब? बेहतर यह नहीं है कि आप दोनों जाइए कहीं खाना वाना खाइए। पापा, इस वक्त मेरा कहीं जाने का दिल नहीं है, प्लीज। क्यों भाई, क्यों दिल नहीं चाह रहा तुम्हारा? मतलब जरूरी है कि तुम सारा दिन घर में पड़ी रहोगी? तुम्हारा कजन आया, 4 साल के बाद आया, तुम्हें चाहिए कि उसको कहीं घुमाओ। अब जाहिर है मैं तो उसे खाने खिलाता अच्छा नहीं लगूंगा, तुम्हें तो लेके जाना चाहिए। आई थिंक वी शुड गो, चलें। तुम जाओ, गाड़ी मैं साफ कर दिया। कहाँ ना जाओ, गाड़ी मैं साफ कर दिया। अरे नादान, दिल लगा बैठी। चांद से प्यार तो किया जाता,
लेकिन इश्क नहीं किया जाता। इश्क करोगी तो यही अंजाम होगा, दिल दिल नहीं रहेगा, दर्द बन जाए। रूह की बन के लगन इश्क तेरा जलता रहा नैनों कानों। ओ जल्दी क्या कर रही हो तुम यहाँ? अंदर जाओ, बताना है इसमें तुम्हारा क्या काम। मेरा काम तो कहीं भी नहीं है सरकार। कमजोर लग रही हो, अपना ख्याल रखा करो, मर जाओगी। नूरा तो कब की मर चुकी, मिट चुकी, फना हो चुकी। जाओ अंदर जाओ। शाबाश सरकार। नूरा मैं तुम्हारा दुख समझता हूँ, मुझे तुम्हारी हाय नहीं है, तभी मैं भी जुदाई का दर्द सह रहा हूँ। नहीं सरकार, नूरा आपको कभी बद्दुआ नहीं दे सकती। नूरा का तो रोम रोम भी आपके लिए दुआ करता है। मेरी दुआएं जरूर कबूल होंगी, आपके जलते हुए दिल को जरूर करार मिलेगा। अंदर जाओ, तुम्हें इस हालत में देखकर मुझे तकलीफ हो रही है। ये लड़की, सामान निकालो गाड़ी में से। ताजदार, आपका और अम्मा बेगम का मुलाजमों के साथ इतना फ्रैंक बिहेवियर, कैसे समझाऊं आप लोगों को नौकरों और मुलाजमों में फर्क होता है? और यह फर्क तुम हमें समझाओगे? जी मैं समझाऊंगी, जाहिर है मैं ही समझाऊंगी। पता नहीं इस घर में क्या क्या ठीक करना। कुछ भी नहीं, तुम कुछ ठीक नहीं कर सकती। तुम बस सुबह शाम शॉपिंग करो और अपने दोस्तों को घर पर इन्वाइट करो, या फिर उन्हें लेके फार्म हाउस चले जाओ, बस यही तुम्हारा काम है। ताजदार आप भूल रहे, मैं इस घर की बहू, इस खानदान की इकलौते वारिस की बीवी। सब याद है मुझे। अपना सेल फोन उठाओ और अपने किसी दोस्त को फोन करो, या फिर अपनी वालदा से बात कर लो। आप मुझसे ठीक से बात क्यों नहीं करते, इग्नोर क्यों करते मुझे? तुम घर पे होती कब? जब आता हूँ तो इतना मिलती है कि जीने बेगम तो शॉपिंग पे गई नहीं। हम अभी तक हनीमून पर नहीं गए। मैं अभी मसरूफ हूँ। ठीक है जल्दी प्लान करें, मुझे दुबई जाना है, वहां से बहुत सारी शॉपिंग। सुबान मामा आए ना बैठे। तुम आज शॉप से आते के साथ ही कमरे में आके बैठ गए हो,
तुम्हारी बीवी ने हमारे खिलाफ पट्टियां पढ़ा दी होंगी। नहीं नहीं मामा, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं आपके पास ही आ रहा था, ये आज की कमाई। लाओ दो। इतने से सोबान, इतने से पैसों में, इतनी महंगाई के दौर में क्या बनता है? तो मैं काम करूं, दुकान पे ज्यादा टाइम दिया करो। और ज्यादा टाइम? आंटी ये तो पहले ही इतनी देर से आता है, मैं तो पूरा दिन ही इंतजार करती रहती हूँ। चुप करो तुम, तुमसे किसने बात की? मैं अपने बेटे से बात करी। लेकिन आंटी मैं तो, चली जाओ यहाँ से, जाओ यहाँ से। बहुत ज्यादा ही सर पे चढ़ा लिया तुमने इसे, मेरे मुंह को आ रही थी, मेरी बात पे इतराज कर रही थी। समझा लो इसे, आइंदा अगर इसने ऐसी हरकत की तो मेरे लिए नाकाबले बर्दाश्त होगी। औकात भूल गई है ये अपनी। मैं समझा दूंगा मामा, आप फिक्र ना करें। अचानक मेरे मैके जाने का प्लान क्यों बना? तुम जब बात करती हो शॉपिंग की करती हो, मैंने सोचा शॉपिंग से मैंने तुम्हारी मामा के घर से कुछ वक्त उनके साथ गुजारो, बात करो, अच्छा लगेगा। वाकई? तुम झूठ क्यों बोलोगे? मुझे तो लगा आपको मेरा मैके जाना बिल्कुल नहीं पसंद। ऐसा क्यों समझ लिया? बस ऐसे। किसे कॉल कर रही हो? मामा को, उनको बता दो हम चाय या खाना वगैरह उनके साथ। यानी मेरी वजह से बानो कई घंटे किचन में काम करके गुजार देगी। रहने दो, कॉल मत करो। क्यों? सरप्राइज देंगे। हाँ लेकिन देखो मैं वहाँ खाना खाने नहीं जा, मिलने जा रहा हूँ, इसलिए इन तकल्लुफात की जरूरत है। ओके। रखना है ना, तो फायदा नहीं। इतनी प्यारी ज्वेलरी, इतने अच्छे कपड़े, तुमने मुझे कुछ भी नहीं दिलवा के दिया। तुम बच्ची नहीं हो, बीवी हो मेरी, बहू हो इस घर की, तुम्हें ये रिश्ते निभाने आने चाहिए। कैसे समझे? अब ऐसा क्या कह दिया मैंने? तुम्हें पता है ना कितनी जिम्मेदारियां हैं मुझे, घर का बड़ा बेटा हूँ मैं।
मैं दुकान में ज्यादा सामान डलवाना चाहता हूँ जिसके लिए पैसे चाहिए। थोड़ा थोड़ा करके छोड़ो ताकि और सामान आए। और तुम जरा सी जुड़ गई, फिर वही बात, तुमसे बात करना ही फिजूल है, तुम समझ ही नहीं सकती। तुम नहीं समझोगे, मैं भी तो तुम्हारी जिम्मेदारी हूँ। बहुत अच्छा हुआ जो तुम आ गए, अरे तुम दोनों को सुबह से याद कर रही थी मैं। बाकी घर वाले नजर नहीं आ रहे? हाँ भाई, हमारे घर में होता ही कौन है, ना नौकर है ना चाकर है, गिनती के चंद अफराद ही तो हैं। हाँ लेकिन आज तो आप बिल्कुल अकेली लग रही हैं। हाँ भाई, हमारी जो वो बहू बेगम है ना, हमारे भोले बच्चे को अपनी बातों के जाल में फंसा के ले गई शॉपिंग करने के लिए, तो घर में कौन होगा। ओह मामा, शॉपिंग? वो कब से शॉपिंग करने लगी? वो सिर्फ मेरे देखा देखी शॉपिंग कर रही है, वरना औकात है उसकी, शॉपिंग करेगी। मुझे नहीं पता था आंटी कि आपकी बहू भी शॉपिंग जैसी सतही बीमारी में मुब्तला है। ये तो फारिग बेकार बैठने वाली औरतों के काम है, वो तो बहुत बिजी रहती है अभी। मैं तो पहले भी फ्री नहीं रहती थी, और अब भी कोई बिजनेस ही करना चाहती हूँ। मैं बिजनेस कर सकती हूँ। कहने से क्या होता, क्या मतलब? मैं चलता हूँ। अरे अरे बेटा, कहाँ जा रहे हो तुम? बैठो ना, अभी मैं फोन करती हूँ अख्तर को, अभी आ जाएंगे 10 मिनट में। ज़िनिया यहीं पर है, उसके पापा जब आएंगे तो मिल लेंगे उनसे। थोड़ी देर तो बैठ जाए ताजदार, हम अभी तो आए हैं। मुझे जाना है, मैं तुम्हें पिक करने आ जाऊँ। अरे बेटा थोड़ी देर तो बैठ जाओ। खुदा हाफिज़। ताजदार का मूड कुछ ठीक नहीं लगा। ठीक तो था मामा, अब मैं क्या ताजदार का मूड ठीक करने बैठूं? आपको बताऊं, मैंने इतनी शॉपिंग्स की है ना, लेकिन मेरा मन ही नहीं भरता है। और ये तो मैं आपको बताना भूल ही गई, मैंने एक ब्रांड न्यू कार ली है। अरे इतनी खुशी की खबर तुम मुझे अब बता रही हो, मेरी बच्ची मुबारक हो। जाने कैसे हो पिया लागा तुमसे मूरजिया, जान कैसे और पिया लागा तुमसे मूरजिया। आज का दिन तो बिल्कुल ही बेकार गया, कितने अरमान लेकर गया था। आ जाती हो तुम मेरे सामने, मत आया करो मेरे सामने। आपको मेरा आना अच्छा नहीं लगता? मैं तुम्हारा मुजरिम नहीं हूं, लेकिन तुम्हें देखता हूं तो खुद को तुम्हारा मुजरिम महसूस करता हूं। आपको देख लेती हूं ना तो नूरा का रोम रोम वजद में आ जाता है। ऐसा होता है, ऐसा ही होता है। मुझे तुम्हारी आह लग गई है नूरा। हे सरकार, नूरा ने तो हमेशा आपके लिए दुआ की है। तुम्हारी खामोश मोहब्बत ने मुझे कहीं कम नहीं छोड़ा। हाँ बोलो, कब तक लेने आएंगे? तुम्हारा भाई और भाभी आ गए? नहीं, वो लोग अभी नहीं आए। सुबान को उसका कोई फ्रेंड मिल गया था तो वो लोग वहाँ चले गए। आप प्लीज जल्दी से आ जाना, हम किसी अच्छी सी जगह डिनर पे चलेंगे। नहीं तुम खा लो, मैं ड्राइवर भेज दूंगा, वो तुम्हें पिक कर ले। बात बर्दाश्त से बाहर होती जा रही है, कुछ करना पड़ेगा। मेरी गन्स और शिकार का सामान गाड़ी में रखो। ओके।
शिकार का प्लान कर लिया आपने? तबीयत भी ठीक नहीं है मेरी, रात से फीवर हो रहा है। अम्मा जान को बता देना, डॉक्टर को बुला लेंगे। आपको मेरा ख्याल नहीं है। मेरे जाने के बाद अम्मा जान का ख्याल रखना। बीमार मैं हूँ, ख्याल मैं उनका रखूँ। अब इतने भी बीमार नहीं हो तुम। मैं जा रहा हूँ, खुदा हाफिज़। हेलो मामा। हाँ बेटा, कैसी हो तुम? तबीयत ठीक नहीं, रात से फीवर हो रहा है। घर में बहुत सारे मुलाजिम हैं। आप बानो को भेज दें मेरी खिदमत के लिए। बानो को? लेकिन क्या? लेकिन भेज दें उसको यहाँ पे। आप उसको यहाँ पे भेजेंगी तो इन लोगों को पता चलेगा कि आपको मेरी कितनी फिक्र है। अच्छा वो जरा यहाँ रहे, मेरी खिदमत करे। अच्छा अच्छा, अगर ये बात है तो मैं आज ही उसे भेज देती हूँ। हाँ भेज दें उसे। अच्छा चलो ठीक है, खुदा हाफिज़ बेटा। तुमने इसे कैसे मामा को हाँ कर दिया? कम अज कम एक बार मुझसे मशवरा ही कर लेते। मानो मामा ने कह दिया ना, बस बात खत्म हो जाती है वहाँ। तुमसे मशवरा कैसे ले सकता था? सुबान, ये मेरे बारे में बात हो रही है, तुम्हें मुझसे एक बार पूछना चाहिए था। मैं भला क्यों जाऊंगी सीनिया जी के घर? मुझे नहीं जाना, मैं नहीं जाऊंगी। सीनिया का फोन आया था, मामा से बात हुई है, बुला रही है तुम्हें। चली जाओगी कौन सा बड़ी बात हो जाएगी? मुझे अच्छा नहीं लगता। वहां जाके तुम्हें हसद होती है ना सीनिया से, ऐसा ही है ना? बताओ क्या हो गया है? ऐसी कोई बात नहीं है। अच्छा बस और बहस नहीं चाहिए। बस तुम जा रही हो, रोज का लगाया हुआ तुमने, जब दुकान से शुरू हो जाती। से बात खत्म हो गई है। तमीजी करने लगी है। आ जाओ। ये क्या, ये तुम ऑरेंज जूस लेकर आई हो? मैंने एप्पल जूस मांगा था यार। और बॉयल एग्स कहाँ हैं? ये फ्राइड एग्स क्यों हैं? मैं तुमसे बात कर रही हूँ, ध्यान का है तुम्हारा? तुम्हारा काम करने का मूड नहीं हो तुम लोग यहाँ आते क्यों हो? बीबी सरकार, गुस्सा ना करें, आपकी तबीयत ठीक नहीं है ना? गुस्सा करेंगी तो आपकी तबीयत और खराब हो जाएगी बीबी सरकार। इसे जाने दें, माफ कर दें, कमली है जी ये तो। कमली है तो इसे घर में क्यों रखा हुआ है? निकाल के बाहर फेंको इसे। मेरे सर के ऊपर परेशान करने के लिए सबके सब आ जाते हैं। वो जी सरकार ने रखा है इसे। ताजदार, आने दो ताजदार को, मैं खुद बात करूंगी ताजदार से। एक भी मुलाजिम ढंग का नहीं है इस घर में। और तुम सर पे क्यों खड़े हो अभी तक? जाओ यहां से, दफा हो। सुना नहीं बीबी सरकार ने क्या कहा? जाओ यहां से और दोबारा बीबी सरकार के सामने मत आना। माफ कर दे जी से, दुखी है बेचारी, रोग लगा है जी से। क्या रोग लग गया इसे? क्या दुख हो गया इसे? वो जी इश्क का रोग लगा है जी बेचारी को। सही कह रही थी तुम, बहुत पागल है। सुनूंगी किसी दिन इसकी दास्तान पूरी। और सुनो तुम, ये तुम चाय क्यों लेकर आई हो? तुम्हारी हड्डियां भी मसाला मांग रही है, ये चाय लेके दफा हो यहां से। एक को भी अंदाजा नहीं, एक को भी आइडिया नहीं है क्या खाती हूँ क्या पीती हूँ, एक को भी होश नहीं है। ये बेवकूफों की फौज लगाकर रखी है मेरे सर के। सुनो। सलाम भी। वालेकुम सलाम। घर के बाकी सब लोग कहाँ हैं? मुझे तो अपनी होश नहीं, किसी
किसी के बारे में क्या बताऊं? क्या मतलब? वो यहाँ नहीं है, मेरी तो दुनिया ही वीरान है। कौन कौन नहीं है? सलाम बीबी। वालेकुम सलाम। आए जी आए, मैं आपको बीबी सरकार के कमरे में ले चलती हूँ। कौन बीबी सरकार? वो जी अपनी दुल्हन बेगम। ओह हाँ, दीनिया जी, उन्हीं से तो मिलने आई हूँ। पहले मैं बेगम साहिबा से मिल लूँ, उन्हें सलाम कर लूँ, फिर चलेंगे सीनिया जी के पास। जी, वो अभी अभी अपनी ऑफिस से घर वापस आई हैं। आए, मैं आपको ले चलती हूँ। चलो। ध्यान से रहना यहाँ हवेली में, तुम्हारी किसी अंदाज से तुम्हारी क्लास का पता नहीं चलना चाहिए। अपनी नहीं तो मेरी इज्जत का ख्याल रखना। जी। और मुलाजमों से फ्री होने की जरूरत नहीं है, फासला रख के बात करना उनसे। ठीक है, अब मैं जाऊँ? कहाँ जाना है तुम्हें? वो आंटी बेगम वहाँ अकेली बैठी हुई है, इसीलिए सोचा कि थोड़ी देर मैंने कंपनी दे आऊं। अगर वो अकेली बैठी हैं तो अपनी मर्जी से अकेली बैठी हैं, कोई जरूरत नहीं उनके पास जाने की। यहाँ क्यों बैठ गई हो? तो फिर कहाँ जाऊं? तुम्हें मैंने यहाँ बैठने के लिए नहीं बुलाया। घर का कुछ खाना अच्छा नहीं बनाता, मेरे लिए सूप बनवा कर लाओ। और मेरे कमरे में डेरे डालने की कोई जरूरत नहीं है, कहती हूँ सुखा से तुम्हारे लिए बेडरूम का इंतजाम कर देगी। ये मेडिसिन है मेरी और प्रिस्क्रिप्शन भी है, पढ़ लो, तुम मेडिसिन दोगी मुझे। क्या बात है, बड़ी बेजार हो रही हो? अरे तुम्हें तो खुश होना चाहिए, इसी बहाने तुम्हें इतने अच्छे घर में रहने का मौका मिला है। ऐसी कोई बात नहीं है, आप ठीक हो जाइए, मैं जल्दी घर चली जाऊंगी। हाँ, आदत नहीं है ना। मुझे याद है जब तुम शादी होके हमारे घर आई थी, तब भी बहुत दिनों तक तुम घबराई हुई थी। नहीं, घर तो अपनों से बनता है, मुझे बस सुबान की फिक्र हो रही है। पता नहीं उसका ख्याल कौन रखेगा। तूफान कौन संभाला जाए, कि शहनशाह को कनीज नहीं मिलेगी तो वो भूखे रह जाएंगे। उसे अपना काम खुद करने की आदत है, कर लेगा। सूप बनवा मेरे लिए। जी। अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम सलाम बेटा, कैसी हो? वाह, कितने प्यारे फूल हैं और कितनी अच्छी खुशबू है इनकी, मेरी सारी थकान दूर हो गई। वो मैं जीनिया जी के कमरे में ले जा रही थी, वहाँ पे लगाऊंगी। हाँ, कैसी तबीयत है जीनिया की? मुझे तो ठीक लग रही है, बुखार भी नहीं है, लेकिन शायद वो बेहतर महसूस नहीं कर रही, इसलिए सो रही हूँ। अच्छा अच्छा, तो बैठो ना, तुम मेरे पास बैठो। नहीं, आप बैठिए, मैं चाय बना कर लेके आती हूँ। पता है मेरी नानी कहती हैं कि मेरी चाय पीकर सारी की सारी थकन उतर जाती है। सुबान भी यही कहता। नहीं नहीं, बैठो तुम, मैं सुखा से बनवाती हूँ। सुखा? अरे आप उसको क्यों कहेंगी,
मुलाजिम जो खाना बनाते हैं उसमें अपनायत और खुलूस का जायका नहीं होता। मैं बनाऊंगी और आप पीजिएगा, मैं बस अभी आई। ले जाओ ये चाय, यहाँ से नहीं पीनी। बेगम सरकार का पैगाम लेकर मेरे सर के ऊपर आ गई ना तुम। पता नहीं उनको मेरी तबीयत ठीक नहीं है, रोज रोज उनके टाइम टेबल के हिसाब से मैं नाश्ते भी नहीं आ सकती। इस टाइम जगा दिया मुझे, पता है मैं रात को लेट सोई थी। मैं बेगम सरकार से कह दूं कि आप नाश्ते पर नहीं आ रही। तो इतनी देर से क्या बकवास कर रही हूं मैं? तुम लोगों को मेरी कोई बात समझ में क्यों नहीं आती है? वो बानो कामचोर कहाँ है? वो बेगम सरकार के साथ नाश्ते की टेबल पर बैठी। लो, मेरी देखभाल करने आई थी, मेहमान बनकर नाश्ते की टेबल पर बैठ गई। बुलाऊं उनको? जी नहीं, कोई जरूरत नहीं है। जाओ और समझा दो उसको 11 बजे मुझे नाश्ता चाहिए और मेरा वार्डरोब भी वही सेट करेगी, और उससे पहले मुझे नहीं जगाना, मैं सो रही हूं। जाओ। जहे नसीब, आप हमारे गरीब खाने पर खुशी से मर जाएं। आप अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कब से हो इधर? अभी कुछ दिन हुए। और इन्होंने मुझे इतना जान जाता तो उड़कर चला। देखा तुमने अपने घर को, कैसा लगा? ये घर मेरा नहीं है। एक ना एक दिन उस घर को तुम्हारा होगा। ये घर मेरा कभी नहीं हो सकता। मैं अपने शौहर से बहुत मोहब्बत करती हूँ और सिर्फ उसी की होके रहूंगी। मैं भी तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ और तुम्हें अपना कर ही दम। ये किस किस्म की बातें कर रहे हैं आप? दिमाग ठीक है आपका? क्या आपको इस बात का एहसास है कि आपकी बीवी की भाभी हूँ मैं? जब तुम मेरे सामने होती हो तो सब कुछ भूल जाता हूँ। डरो मत, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। आओ अंदर चलो, मैं तुम्हें वो सब कुछ दिखाना चाहता हूँ जो मैंने तुम्हारे लिए खरीदा और बहुत हिफाजत से संभाल कर रखा है। अगर आप मजाक कर रहे हैं तो प्लीज ऐसा मजाक ना कीजिए। मैं बहुत इज्जत करती हूँ आपकी। मैंने तुम्हें कहाँ कहाँ नहीं तलाश लिया बानो, तुम्हारे धोखे में मैंने जीनिया को अपना लिया, लेकिन आज तक उससे मोहब्बत नहीं। मेरी हर चीज पर उसका हक है सिवाय दिल के। दिल में तुम हो बानो, मैं तुमसे बहुत बातें करना चाहता हूँ। मेरी बातें सुनोगी ना? गुड। आज रात को मैं यहाँ तुम्हारा इंतजार करूँ। आना जरूर। तुम्हें भी पता होना चाहिए इस दुनिया में एक ऐसा शख्स भी है जो तुम्हें अपनी जान से ज्यादा चाहता है। आ जाऊंगी। पूरे घर में एक भी कोना ऐसा नहीं है जहां मैं 2 मिनट के लिए भी सुकून से बैठ सकूं। हर 2 मिनट में तो तुम लोग सर पे आके सवार हो जाते हो। बोलो क्या काम है? सरकार हवेली वापस आ गए हैं बीबी, मैं आपको ये बताने आई थी। ताजदार आ गए? कहाँ है वो?
वो बेगम सरकार के साथ उनके कमरे में बैठे। दो ढाई घंटे से पहले तो कमरे से बाहर निकलेंगे नहीं। जाओ तुम। सीनियर जी आ गई। अब तुम सर पे यही बोलने आई होगी ना कि जी वो ताजदार आ गए, पता है मुझे। सीनियर जी वो मैं घर वापस जाने की इजाजत लेने आई। अभी घर वापस जाके क्या कर? अब आप ठीक हो गई है ना, प्लीज मुझे घर वापस जाने की इजाजत दे दीजिए। देखो अभी अभी तो ताजदार आए, और वैसे भी मुझे उन्हें बताना है कि मैं अपने घर वालों की आंख का तारा हूं। बहुत से लोग हैं जो मेरी फिक्र करते हैं, तो अभी घर वापस जाने का नाम भी मत ले लो। जाने कैसे और पिया लागा तुमसे मुझे।